कुवैत में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करना प्रवासियों को भारी पड़ गया। भारत के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे लोगों पर अब कुवैत बड़ा एक्शन ले रहा है। आपको बता दें कि ये वही कुवैत है जिसने नुपुर शर्मा के बयान पर भारतीय राजदूत को तलब कर लिया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुवैत ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया जिन्होंने नुपुर शर्मा और भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का फैसला किया है। कुवैत में स्थानीय प्रशासन ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन का आयोजन करने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। इन प्रदर्शनकारी प्रवासियों को कुवैत के कानून का उल्लंघन करने की वजह से डिपोर्ट किया जाएगा। इनमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित कई देशों के नागरिक शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया है कि प्रदर्शनकारी प्रवासियों को हमेशा के लिए कुवैत में घुसने से रोका जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि कुवैत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दरअसल कुवैत में विदेशियों के प्रदर्शन और आंदोलन करने को गंभीर अपराध माना जाता है। कुवैत के कानून के अनुसार प्रवासियों को धरना या प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं है। कुवैत की सरकार का तर्क है कि अगर इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो उनके देश में रहने वाले दूसरे देशों के नागरिक कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे। आपको याद दिला दें कि कुवैत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले भारत के राजदूत को तलब किया था, लेकिन कुवैत अब खुद भी फंस गया है। कुवैत को डर सता रहा है कि अगर उसने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो भविष्य में वहां और भी प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि कुवैत भारत से बेवजह उलझना भी नहीं चाहता, क्योंकि कुवैत और भारत के मजबूत संबंध रहे हैं। कुवैत अरब देशों में भारत के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक है। कुवैत के शाही परिवार का भारत से ऐतिहासिक संबंध भी है। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत और कुवैत ने एक दूसरे की मदद की थी। बीते साल विदेश मंत्री एस जयशंकर कुवैत पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री और शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात भी की थी।